आपका इस रोमांचक गोवा वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा पेश करेंगे। जान लीजिए गोवा के सबसे फेमस सी बीच कौन कौन से हैं, कौन सा चर्च सबसे फेमस है, ओल्ड गोवा में क्या क्या देखना चाहिए, दिल चाहता है वाला फोर्ट कौन सा है। जान लीजिए आप कहां और कैसे अपने फैमिली के साथ रिवर क्रूज कर सकते हैं, कौन से बीच को रशियन या हिप्पी बीच कहा जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखें और गोवा की खूबसूरती में खो जाएं। आइए पहले गोवा के प्रमुख विभाजनों को जान लें। एक टूरिस्ट की नजरिए से गोवा का 3 प्रमुख विभाजन है। साउथ गोवा अपनी सफेद रेत, स्वच्छ प्राचीन समुद्र तटों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। पणजी गोवा की राजधानी है और पुराने गोवा में स्थित है। यह क्षेत्र गोवा का एक व्यस्त और कमर्शियल हिस्सा है। नॉर्थ गोवा अपने प्रसिद्ध समुद्र तट और पार्टी प्लेसेस के लिए फेमस है। अधिकतर फैमिली क्राउड नॉर्थ गोवा में रहना पसंद करते हैं। आइए अब गोवा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर्थ गोवा के सबसे पॉपुलर बीचों से। अपने समुद्री तटों, लाइवली वाइब्स और वाइब्रेंट एनर्जी से नॉर्थ गोवा टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है। मैंने बहुतों से यह कहते हुए सुना है कि गोवा मतलब बागा और कलांगूट, पर ऐसा नहीं है। गोवा के हर एक बीच की अपनी अपनी पहचान है। चलिए शुरू करते हैं कंदोलिम बीच से, जो मेरा फेवरेट है। कंदोलिम बाकी नॉर्थ गोवा बीचेस जैसे क्राउडेड नहीं है। अपनी नरम सुनहरी रेत और कोमल लहरों के साथ ये इत्मीनान से टहलने और विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ के बीच साइड शैक्स काफ़ी अच्छे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई भी मिलता है, तो फिर इंतज़ार किस बात की है। अपने पसंदीदा खाना और ड्रिंक ऑर्डर कीजिए और समुंदर का आनंद लीजिए। कंदोलिम बीच से निकलते ही आप कलांगूट या बागा में से कोई एक बीच जा सकते हैं, जो सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक बीच से दूसरे बीच जाने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। दोनों बीच ही टूरिस्ट से भरा रहता है। अगर इन दोनों बीच का कोई कैप्शन हो तो सन सैंड एंड सेल्फी स्टिक्स वुड बी द बेस्ट कैप्शन। पीक सीजन नवंबर से जनवरी तक ये दोनों बीच बहुत ही क्राउडेड रहते हैं। बोनस पॉइंट, यदि आप किसी और के फोटोशूट में गलती से शामिल हुए बिना भीड़ के बीच से गुजर सकते हैं। दोनों बीच काफ़ी सेफ हैं। यहाँ पे आप समुंदर के पानी में डुबकी लगा सकते हैं। अधिक टूरिस्ट होने के कारण ये बीच उतने साफ नहीं हैं, पर आप समुंदर के मज़े ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट गार्ड हमेशा आपके सेफ्टी के लिए तैनात रहते हैं। वाटर स्पोर्ट्स इन बीचों का एक प्राइम अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप पैरासाइलिंग, जेट स्की राइड, बम्पर राइड, स्पीड बोट राइड, बनाना राइड, स्नॉर्कलिंग जैसा वाटर स्पोर्ट का आनंद ले सकते हैं। मैंने आपके सुविधा के लिए स्क्रीन पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर के डिटेल्स डाल दिए हैं, जहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। कलंगूट बीच में अधिकतर आपको फैमिली क्राउड ही मिलेगी और यहां पे आपको बहुत सारी बजट फ्रेंडली होटल ऑप्शंस मिल जाएगी। मैंने कुछ पॉपुलर बजट फ्रेंडली होटल की ऑप्शंस स्क्रीन पे डाल दिए, इन्हें जरूर चेक कर लें। अरामबोल बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है। अरामबोल बीच अपनी हिप्पी संस्कृति और रशियन पर्यटकों की अधिकता के कारण हिप्पी और रशियन बीच के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र तट अपनी सांस्कृतिक विविधता और अनोखी वाइब के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे गोवा का एक अनूठा आकर्षण बनाता है। यहाँ का आरामदायक और खुला माहौल कला, संगीत और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान बन गया। अरामबोल बीच पर रशियन पर्यटकों की बड़ी संख्या इसे रशियन बीच के रूप में भी प्रसिद्ध करती है। रशियन पर्यटकों ने यहाँ कई कैफे, रेस्टोरेंट और दुकानें स्थापित की हैं, जहाँ रूसी भाषा और व्यंजन आम है। इस कारण अरामबोल का वातावरण थोड़ा रूसी संस्कृति का मिश्रण भी प्रस्तुत करता है। सूर्यास्त के बाद आप पंजिम में मांडोवी नदी पर रिवर क्रूज का आनंद ले सकते हैं। क्रूज के लिए कई टूर ऑपरेटर उपलब्ध हैं, लेकिन हमने पैराडाइज क्रूज को चुना है क्योंकि वे वन ऑफ द बेस्ट हैं। रिवर क्रूज का समय प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक है। चलिए अब गोवा के प्रमुख चर्च के बारे में जान लें। बसिलिका ऑफ बॉम जेसस ओल्ड गोवा में स्थित और इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक चर्च है
जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। यहाँ संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे गए हैं, जो एक प्रमुख येसुइट मिशनरी थे। बॉम जेसस बसिलिका हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो यहाँ पर प्रार्थना और आत्मिक शांति के लिए आते हैं। बसिलिका ऑफ बॉम जीसस से लगभग 20 मिनट के दूरी पर पंजिम चर्च या इमैक्यूलेट कंसेप्शन चर्च स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी के मध्य में स्थित आवर लेडी ऑफ द इमैक्यूलेट कंसेप्शन चर्च सदियों के इतिहास और आध्यात्मिकता का एक शांत प्रमाण है। यह प्रतिष्ठित चर्च, जिसे अक्सर पंजिम चर्च के रूप में जाना जाता है, वर्जिन मैरी की बेदाग अवधारणा को समर्पित है। शादी के केक जैसी स्ट्रक्चर पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है, जो नीले आकाश के सामने एक सुरम्य दृश्य बनाता है। चर्च का सिमेट्रिकल डिजाइन और इंट्रिकेट डिटेल्स एक टाइमलेस ब्यूटी की भावना पैदा करते हैं। इमैक्यूलेट कंसेप्शन चर्च 8 दिसंबर को एनुअल फीस्ट के दिन जीवंत हो उठता है। इसका लाइवली एटमॉस्फियर स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक संगीत के साथ यह एक लाइवली और वाइब्रेंट माहौल प्रदान करता है। चर्च के बाद गोवा के प्रमुख फोर्ट को जान लिया जाए। फोर्ट अगवादा का निर्माण मूल रूप से 1612 में डचों से बचाव के लिए किया गया था। यह उस समय यूरोप से आने वाले जहाजों के लिए एक संदर्भ बिंदु था। यह पुराना पुर्तगाली किला कांदोलिम के साउथ में समुद्र तट पर स्थित है। जब हम फोर्ट अगवादा की शानदार दीवारों के अंदर कदम रखते हैं, तो हमें समुद्र तट और आसपास के परिदृश्य का पूर्ण नज़ारा मिलता है। यहाँ की सुरक्षित दीवारें और प्राचीन तोपें इसकी सैन्य योजना और वास्तुकला का परिचय देती हैं। किले के भीतर एक मीठे पानी का झरना रुकने वाले जहाज़ों को पानी की आपूर्ति प्रदान करता था। इस प्रकार किले का नाम अगवाड़ा पड़ा, जिसका पुर्तगाली भाषा में अर्थ वाटरी होता है। लेकिन फोर्ट अगवाड़ा सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, यह प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी एक स्वर्ग है। इसके चारों ओर की हरियाली, अरब सागर पर अद्भुत सूर्यास्त और उसके दर्शनीय स्थल से ली गई तस्वीरें आपको मोहित कर देंगे। चापोरा फोर्ट नॉर्थ गोवा के बारदेज में स्थित है और पुर्तगालियों द्वारा 17वीं सदी में बनाया गया था, जिसे अभी दिल चाहता है फिल्म के लोकेशन के रूप में भी जाना जाता है। आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना का चरित्र यहाँ पर दोस्ती का जश्न मनाते हैं। उस सीन ने किले को एक और मशहूरी दी है और आज भी बहुत से यात्री यहाँ आकर अपने दोस्तों के साथ आमिर खान की तरह फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। फोंटेनास गोवा का एक पुराना और प्राचीन क्षेत्र है, जो पुर्तगालियों के शासनकाल से बचा हुआ है। यहाँ के घर, गलियाँ और चौराहे पुराने यूरोपीय स्टाइल में बने हैं और इसके आकर्षक रंगीन भवनों ने इसे गोवा का लिटिल पोर्टुगल के रूप में प्रसिद्ध किया है। फोंटेनास की गलियाँ और घरों की विशेषता उनकी विविध और आकर्षक रंगों में है। यहाँ के पुराने भवनों के गुलाबी, पीला और हरे रंग दर्शकों को अपनी जदोजहद से मोहित करते हैं। इन रंगों का संयोजन फोंटेनास को एक विशेष और आकर्षक स्थल बनाता है। फोंटेनास में कई कला संग्रहालय और गैलरी हैं, जो प्राचीन और समकालीन कला का दर्शन कराते हैं। फोंटेनास में कई कैफे, आइसक्रीम पार्लर और लॉजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आपने कभी फोंटेनास की मशहूर कन्फिटारिया डी जेनेरियो के बारे में सुना है? यह गोवा का एक प्रसिद्ध कैफे है, जो अपने अद्वितीय स्वाद और आकर्षक पोर्चुगीज वातावरण के लिए जाना जाता है। कन्फिटारिया द जेनेरियो की विशेषता उसके बेक्ड केक, पेटिस और मिठाई है, जिसे वुड ओवन में बेक किया जाता है। इसके लिए इसका टेस्ट स्पेशल है। अगर आपका फोंटेनास में घूमने का प्लान है, तो कन्फिटारिया द जेनेरियो को मिस ना करें। चलिए अब गोवा के कुछ बेस्ट सनसेट कैफेज के बारे में जान लिया जाए। तितली कलिनरी बार स्मॉल वेगेटर में स्थित है और गोवा के सबसे अच्छे सनसेट कैफे में से एक है, जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की बैठने की व्यवस्था के साथ वेगेटर समुद्र तट का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। तितली में परोसे जाने वाले मुख्य व्यंजन फिंगर फूड, सी फूड, मॉडर्न इंडियन, मल्टी कुजीन, कॉन्टिनेंटल हैं। तितली में दो आदमी के खाने की कीमत लगभग 1800 रुपए हैं। खाना एवरेज है, पर इसका लोकेशन एक्सेलेंट है। कैफे के बगल से एक रास्ता है, जिससे आप सी बीच तक पहुंच सकते हो। ये गोवा में एक इंस्टाग्राम योग्य कैफे है और शाम के बाद लाइव संगीत बजाता है। केप गोवा काबो डी रामा में स्थित एक 5-स्टार प्रॉपर्टी है। केप गोवा रेस्तरां निस्संदेह गोवा में सबसे अच्छे दृश्यों वाला एक रेस्तरां है, विशेष रूप से समुद्र, रेत और नारियल के पेड़ों के दृश्यों के कारण। यह गोवा के सर्वश्रेष्ठ सनसेट कैफे में से एक है। घूमने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के दौरान है।
इस रेस्तरां का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, क्योंकि यह काबो डी रामा समुद्र तट का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। केप गोवा वास्तव में गोवा में एक इंस्टाग्राम लायक जगह है और इंस्टाग्रामर्स को विशेष छूट भी प्रदान करता है। मैं इसे स्थान के लिए 5 स्टार और भोजन के लिए 5 स्टार रेटिंग दूंगा। शाम 4 बजे के बाद लाइव बैंड बजता है। हम निश्चित रूप से गोवा में सर्वश्रेष्ठ सनसेट कैफे की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति को केप गोवा रेस्तरां की सिफारिश करेंगे। गोवा अपनी खूबसूरत तटरेखा और शानदार समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बागा और कैंडोलिम जैसे तट लोकप्रिय हैं, गोवा के कुछ छिपे हुए रत्न भी हैं जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव प्रदान करते हैं। आइए हम गोवा के कुछ ऑफबीट समुद्र तटों पर एक नज़र डालते हैं। काकोलिम बीच को टाइगर बीच भी कहा जाता है और यह गोवा के सबसे गुप्त समुद्र तटों में से एक है। यह समुद्र तट दक्षिण गोवा में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी ट्रैक करनी पड़ती है। काकोलिम बीच अपने साफ पानी और सुनहरे रेत के लिए प्रसिद्ध है, जहां आप शांति और प्रकृति के करीब का अनुभव कर सकते हैं। काकोलिम बीच में एक वाटरफॉल भी है जो इसके नजारे को 4 चांद लगा देता है। बेतुल बीच दक्षिण गोवा में स्थित है और यह तट एक मछली पकड़ने वाले गांव के पास स्थित है। यह समुद्र तट अपने शांत वातावरण और साफ पानी के लिए जाना जाता है। बेतुल बीच पर आने वाले लोग आम तौर पर मछली पकड़ने का आनंद लेते हैं और यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित कोला बीच एक अद्वितीय और शांत समुद्र तट है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यह समुद्र तट भीड़भाड़ से दूर एक गुप्त स्वर्ग जैसा है, जहाँ आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं। कोला बीच की सबसे खास बात इसका मीठे पानी का लैगून है, जो समुद्र के किनारे स्थित है। इस लैगून का साफ और शांत पानी इसे एक अनोखा अनुभव बनाता है। यहाँ आप तैराकी का आनंद ले सकते हैं या बस किनारे पर बैठकर सूर्यास्त का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। पालोलिम बीच अपने शांत वातावरण, लहलहाते पाम ट्रीज और कलरफुल बीच हट्स के लिए प्रसिद्ध है। कोमल लहरें तैराकी और कयाकिंग के लिए आदर्श हैं, जो विजिटर्स के लिए एक सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त समुद्र तट स्वादिष्ट गोवा व्यंजन और ताज़ा समुद्री भोजन परोसने वाले आरामदायक कैफे और रेस्तरां से भरा हुआ है। पालोलिम की अनूठी विशेषताओं में से एक तट के ठीक किनारे बीच हट्स में रहने का विकल्प है, जो प्रकृति के करीब एक गहन अनुभव प्रदान करता है। पालोलिम बीच प्राकृतिक सुंदरता और वाइब्रेंट कल्चर का एक आदर्श मिश्रण है, जो इसे मस्ट विजिट डेस्टिनेशन इन गोवा बनाता है। चाहे आप धूप में आराम करना चाहते हों, पानी के खेलों का आनंद लेना चाहते हों या अनोखी नाइट लाइफ का अनुभव करना चाहते हों, पालोलिम हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। गोवा में शॉपिंग एक ऐसा रोमांच है जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। लाइवली फ्ली मार्केट से लेकर हलचल भरे शहर के बाजारों तक प्रत्येक गंतव्य गोवा के जीवन का एक अनूठा हिस्सा पेश करता है। चाहे आप सस्ते दामों पर पारंपरिक शिल्प या जीवंत माहौल की तलाश में हों, फेमस कालंगूट और कंडोलिम बीच के पास बाजार बीचवेयर, फ्लिप फ्लॉप, सुविनर्स और हस्तशिल्प के लिए आदर्श है। प्रत्येक बुधवार को संचालित होने वाला अंजुना फ्ली मार्केट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, रंगीन वस्त्रों, बोहेमियन कपड़ों, प्राचीन वस्तुओं और विचित्र सुविनर्स का खजाना है। मारियो गैलरी, भारत के सबसे प्रिय कार्टूनिस्टों और चित्रकारों में से एक मारियो मिरांडा के प्रतिष्ठित कार्यों का गैलरी है। अपनी अनूठी शैली और मजाकिया चित्रण के लिए जाने जाने वाले मारियो मिरांडा की कला गोवा के जीवन और इसकी जीवंत संस्कृति का सार दर्शाती है। मारियो गैलरी में मिरांडा के विशिष्ट चित्रों से सजे प्रिंट, पोस्टर, होम डेकोर के सामान, अपैरल एंड सुवनर्स ब्राउज कर सकते हैं। गैलरी न केवल एक रिटेल स्पेस के रूप में बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी काम करती है, जो गोवा के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देती है। मारियो गैलरी के गोवा में कई स्थान हैं,
जिनमें पंजिम और कैलंगुट जैसे लोकप्रिय स्थान शामिल हैं। अब कुछ लाइव म्यूजिक वाले कैफेज का आनंद लिया जाए। रात के 8 बजे हैं और हम लोग बिग डैडी कैसीनो में पहुंच चुके हैं। हमने पहले से ही ऑनलाइन टिकट ले ली थी। बिग डैडी कैसीनो का एंट्री फी आपके पैकेज के ऊपर निर्भर करता है। पैकेज 2000, 3500 और 4500 का मिलता है। ऑनलाइन बुक करने से 5% डिस्काउंट भी मिलता है। पैकेज का डिफरेंस सिर्फ ड्रिंक्स के लिए लागू होता है। एंट्री बैंड मिलते ही हम लोग कैसीनो की तरफ चलने लगे। बिग डैडी के छोटे बोट हमें मेन कैसीनो तक ले जाता है। अब हम बिग डैडी कैसीनो के किनारे पहुंच चुके हैं। बिग डैडी में 5 फ्लोर हैं। 1 से लेकर 3 तक कैसीनो हैं। 4th फ्लोर में रेस्टोरेंट और लाइव एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त है। फ्लोर 1 उनके लिए है जो छोटे बेट खेलना चाहते हैं। मिनिमम बेट 100 रुपया से शुरू है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मिनिमम बेट का वैल्यू बढ़ता रहेगा। कैसीनो में खेल के बाद हम लोग लाइव एंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक्स मेन्यू की तरफ बढ़ने लगे। पैकेज के अनुसार आप अपना ड्रिंक, कॉकटेल या मॉकटेल कुछ भी अनलिमिटेड टाइम्स ले सकते हैं। ड्रिंक्स काउंटर रात के 1 बजे तक सर्व करता है, पर ये याद रहे कि ड्रिंक करके अगर आप कोई भी कैसीनो रूल ब्रेक करते हो तो आप तुरंत कैसीनो से निकाल दिया जाओगे। चलिए अब कुछ लाइव एंटरटेनमेंट का मजा लेते हैं। बुफे मेन्यू में चाट, वेज, नॉन वेज, डिजर्ट्स की स्वादिष्ट और भरपूर इंतजाम है। हमने तो बिग डैडी कैसीनो में भरपूर मजे किए। रोमियो लेन नॉर्थ गोवा वागेटर का बेस्ट नाइट क्लब है। यहाँ का क्राउड कंपैरेटिवली अप मार्केट है। एंट्री के बाद आपको सीढ़ियों से लगभग 3 से 4 मिनट नीचे उतरना पड़ेगा। एंट्री के समय आपको 1000 रुपए का कवर चार्ज देना होगा जो नॉन रिफंडेबल है। रोमियो लेन एकदम समुद्र तट पर स्थित है जो इसे एक शानदार माहौल प्रदान करता है। यहाँ का डांस फ्लोर काफी बड़ा है और लाइव परफॉर्मेंस है बेस्ट। खुद ही देख लीजिए। सबके हाथ ऊपर। अब हमारी तरफ से द मस्ट गो प्लेस।
थलासा एक लोकप्रिय ग्रीक रेस्तरां है जो नॉर्थ गोवा के सियोलम में स्थित है। थलासा अरब सागर के दृश्य के साथ अपने शानदार स्थान और एक सुरम्य सेटिंग में ग्रीक पाक अनुभव प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ये रेस्तरां अपने आकर्षक और आरामदायक माहौल के लिए जाना जाता है। इसमें अक्सर सफेद और नीले रंग की सजावट होती है, जो कई ग्रीक प्रतिष्ठानों में पाए जाने वाले पारंपरिक रंगों की याद दिलाती है। खुली हवा में बैठने की जगह और सुंदर सूर्यास्त के दृश्य इसे दिन और शाम दोनों समय की यात्राओं के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं। थलासा ग्रीक व्यंजनों में माहिर है, जो विभिन्न प्रकार के पारंपरिक ग्रीक व्यंजन पेश करता है। मेनू में आमतौर पर मेडिटेरेनियन स्वादों से प्रेरित एपेटाइजर, मेन कोर्सेज और डेसर्ट शामिल होती है। दो लोगों के खाने का खर्च लगभग 2,500 रुपए है विदाउट अल्कोहल। इसकी पॉपुलैरिटी के कारण पहले से रिजर्वेशंस कराने की सलाह दी जाती है। रात 9 बजे के बाद यह एक शानदार पार्टी प्लेस है। लाइव परफॉर्मेंस और म्यूजिक का आनंद लें। I would rate Thalassa 4 star for location and also 4 star for food.